पंजाब न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सतेंद्र बैंस। जिवें दोस्तों तुहानू पता ही है कि 3 मई तो सरकार करफ्यू खोलण उत्ते विचार कर रही है और करफ्यू फेस वाइज खोलिया जाएगा, एकदम नहीं खोलिया जाएगा जो साडी सूचना है। और उहदे वास्ते तुहानू खास अपना ध्यान रखना पवेगा। जिवें पंजाब दे चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी एक मैसेज विच इह गल कही है कि करफ्यू तां असीं खोल देंगे पर तुहानू अपना बहुत ध्यान रखना पवेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पवेगी और अपने हाथ सैनिटाइजर नाल साफ करने पैणगे। जो भी प्रकॉशनस सानू दसियां गई हैं वह लैनिया पैणगियां। सो अगर करफ्यू खुलदा है उस तो बाद बहुत सारी एक्टिविटी जिहड़ी शुरू होएगी, ऑफिस खुल सकते हैं और लोकल जिहड़ियां दुकानां वह खुल सकदियां। सो उहदे वास्ते खुलण नाल जिहड़ा सानू ध्यान रखना पैणा वह ज़्यादा जरूरी है। उहदे वास्ते तुसीं मैंटली प्रिपेयर रहो क्योंकि हो सकता है तुहानू शुरू शुरू दे विच इह गल बहुत ही चंगी ना लगे। सोशल डिस्टेंसिंग, अपने दोस्तों नू मिलना है वो तो गुरेज करना पएगा, जे मिलना भी है तो दूर तो गल करनी है और ऑफिस दे विच भी जिहड़ियां उह प्रिकॉशन तुहानू लैणियां पैणगियां। और खास तौर पर यह जिहड़ा लॉकडाउन खुलना है उहदा जिहड़ा फायदा है वह गरीब लोगों नू होएगा क्योंकि जिहड़ा अमीर आदमी है वह तो अपने घर दे विच रह के गुजारा कर लैंदा है, अफोर्ड कर सकता है। गरीब आदमी वास्ते ये बहुत मुश्किल है और इंडिया दे विच खास तौर पर जिस देश दे विच तकरीबन 140 करोड़ दे विचों 100 करोड़ आबादी जिहड़ी है वह गरीब होवे, यानी कि सरकार दा दावा आया कि 88 करोड़ बंदियां नू जिहड़ा है सरकार खाना मुहैया करवा रही है और बाकी जिहड़े उस तो बिना अंदाजा लगा लो बहुत सारे लोग जिहड़े भुखमरी नाल मर रहे हैं या जिन्हां नू प्राइवेट जिहड़ियां NGOs हैं या पुलिस है गुरुद्वारिआं दे विच जाके उन्हां नू लंगर खवाया जा रहा है। सो तकरीबन 100 करोड़ बंदा मेरे अंदाजे मुताबक इत्थे भारत दे विच इहा जिहा है जिथे 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं हुंदी या जिन्हां नू हुंदी है वह ये सौखी घड़ी दे विच घट्टो घट अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इहो जिहे मुल्क दे विच जिहड़ी है गरीब आदमी वास्ते करफ्यू लगाना यह बहुत ही मंदभागी गल हुंदी है कि इह जिहा कोई स्टैप सरकार नू चुकना पवे, पर सरकारां दे कोल अल्टरनेटिव कोई नहीं सीगा उस वक्त क्योंकि जदों इह महामारी करोना वायरस दी आई है उदों असीं हैल्थ साडा जिहड़ा सिस्टम है वह इन्ना ज़्यादा मजबूत नहीं सीगा या कह लो बहुत ज़्यादा कमज़ोर सीगा कि असीं इन्ने अगर मरीज हॉस्पिटलों दे विच आ जांदे असीं उहनां नू संभाल नहीं सकते सी। सो सरकार दा जिहड़ा मकसद सीगा इस पेंडेमिक नू महामारी नू स्लो डाउन करना सीगा ताकि हौली हौली करके जिहड़े मरीज है हॉस्पिटल च आउण और आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हों निपटा जा सके। बाकी एक गल जिवें मैं पहला भी एक वीडियो दे विच कहा सीगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि पेंडेमिक नू महामारी नू रोकिया नहीं जा सकता, सिर्फ लेट किया जा सकता है। सो उहदे वास्ते काफ़ी हद तक साडा जिहड़ा देश है हुण तैयार है, बहुत सारिया जिहड़ियां स्टैप ले गए ने जिवें वेंटीलेटर्स ने हॉस्पिटल्स की तैयारी है वह तैयारियां मुकम्मल तकरीबन हो गई ने और टेस्टिंग वास्ते भी जिहड़ी तैयार है जिहदे विच काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग आने वाले दिनों दे विच कीती जाऊगी। सो उहदे नाल कोई हालात जिहड़े आ वह एक बार तो विगड़नगे क्योंकि तुहानूं लगेगा केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हो सकता फैल रहा, पर तुहानूं घबराने की लोड़ नहीं क्योंकि जदों यह फैलेगा इहदा मतलब है कि असीं केसां नूं आइडेंटिफाई कर रहे हैं और केस जिहड़े आ हुण हौली हौली इह जिहड़े पेंडेमिक स्लो डाउन हो रहा और फिर खत्म हो जाएगा। खत्म इन द सेंस जिवें WHO दे चेयरमैन ने भी कहा है कि सानू लंबा टाइम इस बीमारी दे नाल रहना पवेगा, यानी कि जे वैक्सीन आ भी जाती है इहदी तां भी जिहड़ी है बीमारी दा किवें किते ना किते आउटब्रेक हो सकता है, जिस तरह स्वाइन फ्लू है भावें दी वैक्सीन आ गई है पर भी हाले बहुत सारी जगह देते स्वाइन फ्लू जिहड़ा है वह दोबारा आ जाता है। ई बोला भी इस तरह बीमारी सी, होर साडे किन्नी बीमारियां ने, डेंगू हैगा, चिकनगुनिया हैगा, जिहड़ियां हर साल सीजनल आउंदियां, इस तरीके नाल ये वायरस भी जिहड़ा कोरोना वायरस साडे नाल रहेगा क्योंकि जदों एक वायरस एक बार आ जाता है वह कदे भी खत्म नहीं हुंदा, सिर्फ उहदा असीं इलाज ही कर सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे जिहड़े वायरस है उहदे नाल असीं ऑलरेडी रह रहे हैं, इस करके घबराने की लोड़ नहीं, बिल्कुल निडर होकर अपना लाइफ जीनी है। कोई ये नहीं सोचना कि वायरस आ गया पर दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं होंगी, साड़ी साइंस जी है वो बहुत तरक्की उत्ते है और जल्दी ही दी वैक्सीन है जी हो सकता 1-2 महीने के वैक्सीन आ जाए और उस तो बाद सानू बहुत ज़्यादा फिर भी प्रिकॉशन इस करके लेनी पड़ेगी क्योंकि साढ़े देश के दे बहुत जी होर भी गंदगी बहुत है
वो गंदगी दे विच वायरस पलदे हैं वो इदां दी चीज़ां तों सानूं जिहड़ा है वो अपने आप नूं सुधारना पऊगा अपना जिहड़ा हाइजीन है वो वधिया तरीके नाल रखनी पऊगी अपना आला दुआला साफ रखना पऊगा अदरवाइज इदां दे वायरस बहुत आए हैं तुहानूं याद होना है जदों एड्स आई सी उदों भी बहुत ज़्यादा एक डर पैदा हो गया सी कि शायद दुनिया खत्म हो जाए पर वो एक वाव रोले वांगू निकल गई उहदी दवाई आ गई हुण आउंदे आ एड्स एग्जिस्ट करदी आ पर असीं कदे उहदा जिक्र भी नहीं करदे असीं कदे सोचदे भी नहीं कि एड्स की बीमारी है स्वाइन फ्लू जिहड़ी है अज भी है और असीं उहदा कदे जिक्र नहीं करदे डेंगू अज भी है असीं उहदा कदे जिक्र नहीं करदे इस तरीके नाल इस बीमारी का भी कोरोना वायरस का कदे जिक्र नहीं होगा पर एग्जिस्ट करेगी सो वो टाइम आएगा सो फिलहाल तुसीं जिहड़ा है अपने आप नूं तैयार रखो कि सरकार जिहड़ा खुलन जा रही है करफ्यू 3 मई तो और उहदे वास्ते मैनू उम्मीद है कि सरकार जिहड़ी है उह सोच समझ के ही कोई जिहड़ा डिसीजन उह लेगी ते सोशल डिस्टेंसिंग जिहड़ी हाले फिलहाल बहुत जरूरी है पर हौली हौली जदों इहदी वैक्सीन आ जाएगी और इहदी दवाई अवेलेबल होएगी आम लोगों के वास्ते उदों यह जी है बीमारी असी यदा काउंटर कर सकेंगे और असी फिर आम जिंदगी जी है वह जी सकेंगे और एक गल हमेशा याद रखना कि ये बीमारी जी है कोरोना वायरस ये 80% तो लैके 85% तक लोग यह जे हैं जिन्हों वायरस का अटैक हों और उन्होंने पता भी नहीं लगता बहुत घट सिमटम जोड़े होंगे हैं मैं हो सकता तुम हो सकते हो ये थोड़ी बहुत तुम महसूस ही ना होया हो कि वायरस ने तुम अटैक किया है और तुम नॉर्मल जिंदगी जी यार 15 दिन बाद या 20 दिन बाद वायरस अपने आप तुहाडे च खत्म भी हो जाएगा सो कै जिहड़ा सोशल डिस्टेंसिंग है वो इस करके भी हैगी जरूरी ताकि असी कैरियर बन के होर जिहड़े घट इम्यूनिटी वाले लोग हैं उन्होंने जाके असी बीमार ना कर दईए और अदरवाइज़ जिहड़ियां हुण तक दीआं वर्ल्ड दीआं रिपोर्ट्स हैगियां उही हैगियां कि जिहड़े 5% बंदे है वह क्रिटिकली जिहड़े बीमार होणगे यानी कि जिन्हां नूं मैडिकल एड की लोड़ पेगी या वेंटीलेटर की लोड़ पेगी और उन्हां दे विच्चों भी जिहड़े 3% है वह उन्हां दी जिहड़ी आ मौत हो सकती है सो इस करके एड्डी घबराउण की लोड़ नहीं है तो साडे विच साडे जिहड़ी लोकां दे विच इन्नी विल पावर है कि वो ये बीमारी नाल लड़ सकते हैं तुसीं गल होर नोट की होनी है कि हुण तक जिन्ने भी माइग्रेंट लेबरर्स हैगे आ जिहड़े जगह जगह के उत्ते रोके हुए है उन्हां चों किसी नूं भी हाले तक बीमारी ने छूया नहीं इहदा मतलब है कि इम्यूनिटी जिहड़ी आ स्ट्रोंग होवे ते इहदा किते ना किते असर जरूर आउंदा है सो एक लाइफ स्टाइल की बीमारी है ये जिहड़े आरामदायक जिंदगी जीण वाले लोग ने और वह जिहड़े गरीब नहीं है बहुते वह अमीर लोग ने सो यह भी कोई स्टैंडअप नहीं मैं समझता कि बहुत लंबा समा जिहड़ा करफ्यू या लॉकडाउन जारी किया जाए उन्हां 3% लोगों के वास्ते जिहड़े जिन्हां दे वास्ते 97% लोग है देश दे सफर करन सो ये खोलना पेगा और खुल रहा है सो ये वास्ते नैशनल लैवल दे उत्ते भी जिहड़े आ 27 तरीक नूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के नाल एक मीटिंग रखी है उहदे विच जिहड़े आ एक कुछ डिसीजन ले जाणगे हर जगह तो रिपोर्ट ली जाएगी और खुशी की गल यह है कि साढ़े पंजाब दे विच घट्टो घट बहुत सारे जिले है वो कोरोना वायरस तो फ्री हो रहे हैं जिन्हें नवा शहर है मोगा हैगा है और फिरोजपुर हैगा बठिंडा है और होर भी इस तरह के जिले है जिहड़े वह हौली हौली खत्म हो रहे हैं केस और जिथे नवे भी केस आए उत्थे अपनियां गलतियां करके आए हैं वो मैनू लगता हौली हौली वह भी जिहड़े आ ग्रीन दे विच चले जाणगे एक गल होर भी मैनू बहुत तकलीफ दिंदी है कि अपना भुखमरी दियां भुख मौतां जिहड़ियां उहदियां किन्नियां रिपोर्टां आणी शुरू हो गईयां किन्ने लोकां ने सुसाइड करने शुरू कर लिया सो अदरवाइज भी जिहड़ियां साडे डैथस हुंदियां कोरोना वायरस तो बिना इकल्ली बीमारी तो है नहीं इत्थे डायबिटीज़ दे नाल किन्नियां डैथस हो जांदियां जिहड़ी साडे कैंसर दे नाल किन्नियां डैथस हो जांदियां एक्सीडेंट नाल किन्नियां डैथस हो जांदियां इह जदों दा करफ्यू लग्गिया एक महीने विच तुसीं यकीन करोगे पंजाब दे विच 42 डैथस हो चुकियां रोड एक्सीडेंट दे विच जदों कि कोई ट्रैफिक नहीं है फिर भी जिहड़े रोड एक्सीडेंट होए आ तो ये चीज़ा जिहड़ियां डैथस जिहड़ियां एक नैचुरल फिनोमेना है साडी लाइफ दे विच इह हुंदियां रहिणगियां एड्स नाल किन्नियां डैथस होईयां पहलां और उस तों बिना टीबी है टीबी नाल डैथस हुंदियां तुहानूं इह भी दसदे आं कि इंडिया दे विच हर साल तकरीबन 95 लख बंदा अलग अलग बीमारियों दे नाल मरदा है और 4.5 लख बंदा जिहड़ा है वह हर साल टीबी दे नाल मरदा 1.5 लख बंदा जिहड़ा एड्स नाल मरदा है और तकरीबन 1.5 लख बंदा ही कैंसर दे नाल हर साल इंडिया च मरदा सो इन्नियां मौतां जिहड़ियां साडे हुंदियां ने असी
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ 95 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਨਰਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਝਰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।